बिना मोबाइल नंबर के राशन कार्ड कैसे खोजें। दोस्तों, बिना मोबाइल नंबर के आप राशन कार्ड कैसे जान सकते हैं कि मेरा राशन कार्ड बना है, नहीं बना है और कितने यूनिट हैं। दोस्तों, टटोलो नौकरी में मैं अरविंद यदुवंशी आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टटोलो नौकरी के माध्यम से हम आपको नई नई नौकरियों की जानकारी देते हैं, नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं, इसी क्रम में हम आज आपको एक ऐसी समस्या के बारे में, समाधान के बारे में बता रहे हैं। पिछले कई महीनों से एक समस्या चल रही है कि राशन कार्ड की पर्ची डाउनलोड नहीं हो पा रही, राशन कार्ड आप निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस पर मोबाइल नंबर जो लगा हुआ है वो किसी और का या पुराना या गलत नंबर लगा है, आप राशन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम आपको बताएंगे कि आप अपना बिना मोबाइल नंबर के राशन कार्ड कैसे खोजें। आपका राशन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है, आप फिर भी अपना राशन कार्ड देख सकते हैं, अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने राशन कार्ड में पता कर सकते हैं कि कितने यूनिट हैं और कितने यूनिट नहीं हैं, आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। आप अपने राशन कार्ड की पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि राशन कार्ड कैसे खोजें। राशन कार्ड खोजने के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, मेरा राशन। आप मेरा राशन ऐप को गूगल स्टोर में जाकर के, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें डाउनलोड करने के बाद अपनी राशन कार्ड की स्थिति देखने को आता है, उस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, मेरा राशन ऐप आपका जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, अभी खुल रहा है, मैं आपको बताता हूं। आधार सीडिंग पर जा करके आप अपना जो भी आपका दो आपके पास ऑप्शन होंगे, नंबर एक राशन कार्ड नंबर और नंबर दो आधार नंबर। राशन कार्ड नंबर अगर आपको पता है यानी कि पहले से बना हुआ है और आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप राशन कार्ड का नंबर डाल करके और सबमिट करेंगे तब आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। और यदि आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपनी आधार संख्या, आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5ों लोगों में से किसी का भी आधार संख्या आप इसमें डालेंगे और आधार संख्या डालते ही और सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपको आपका राशन कार्ड दिख जाएगा। उसमें दिख जाएगा कि आपके कितने यूनिट हैं, आपके कितने लोग ऐड हैं उसमें, और आप देख सकेंगे कि कौन कौन ऐड है और कौन कौन ऐड नहीं है। ये समस्या बहुत दिनों से चल रही थी कि राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बहुत लोग नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए टटोलो नौकरी के माध्यम से हम आपको इस सुविधा की जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। और हम आपको दिखाते हैं कि मेरा राशन ऐप कौन सा है। दोस्तों, थोड़ा सा कष्ट के लिए खेद चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा दिखा रहा हूं कि आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे। ये मोबाइल है, मोबाइल में आप मेरा राशन डाउनलोड करेंगे और मेरा राशन में जाकर के आप दोस्तों, ये रहा आधार सीडिंग, और आधार सीडिंग ये राशन कार्ड नंबर है और ये आधार नंबर। आधार नंबर पे आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप पाएंगे कि आपका राशन कार्ड यहाँ पर खुल जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको और भी नई नई जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे टटोलो नौकरी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको नई नई नौकरियों की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।